रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वो समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार इंटीग्रेटेड बीएड 2022 को लेकर कि किस रणनीति के साथ आपके का जो एग्ज़ाम या आप ये जो अभी जुलाई चल रहे हैं और आपका जो एग्ज़ाम है ये आपका अगस्त में होना है, तो किस रणनीति के साथ पढ़ाई करना है। साथियों, आपको बता दूं कि आपके परीक्षा में जो निर्धारित किया गया है 120 क्वेश्चन का, जो कि आपको पता होगा 120 क्वेश्चन जब निर्धारित हो चुका है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक ना, आपके इंटीग्रेटेड बीएड में बिहार के में जो है 4 कॉलेज हैं, ठीक ना, तो उसी के आधार पर ये आपका नामांकन होने वाला है। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, उसमें ये जो है 4 कॉलेज में जो है ये उनका ये सिलेक्शन होना है। फिर बात बची ये बात कि आप कम समय में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जरूरी बात ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए ये जो मटेरियल की जो होती है ना, कमी नहीं होती है, बहुत सारे मटेरियल होते हैं। कोई कहेंगे ये पढ़ लो, कोई कहेंगे ये पढ़ लो, किसी की बात नहीं माननी है। माननी किसकी है, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है। 19 से एग्जाम हो रही है बिहार में, यानी फर्स्ट टाइम 19 में हुआ था, 20 में हुआ था और 21, यानी अभी तक 3 बार जो है ये एग्जाम हो चुका है। तो सबसे पहले ये देखना है कि 19 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, 20 में कैसा पूछा गया है और 21 में कैसा पूछा गया है, ठीक ना। तो जब आपको पता चल गया कि 19 में अगर क्वेश्चन अगर बिहार मंत्रिमंडल से पूछा है, राज एवं राजधानी से पूछा है, तो 20 में भी पूछा है, 21 में पूछा है, तो क्या करना है, ऐसे ऐसे मतलब जो जो पॉइंट हैं उन्हें आप क्या करेंगे, आप कॉपी में डायरी में लिख लीजिए कि ये सब पढ़ना है। तो सिलेबस के बारे में 120 में आपको पता होगा कि 40 नंबर का आपका जीके जीएस पूछा जाता है, जो कि 40 नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक ना। उसके बाद 40 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे आप मंत्रिमंडल की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, 1857 की क्रांति हुआ या युद्ध से प्रश्न पूछता है 1 नंबर, ठीक ना। कुछ उसमें आपके साइंस, बेसिक साइंस ज़्यादा हार्ड नहीं रहते, ठीक ना, बेसिक साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ से प्रश्न रहते हैं। इसके बाद जैसे त्राइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, यानी कोई एक युद्ध से रहता है, ठीक ना, यहाँ से प्रश्न आपके बन गए। फिर क्या है, जैसे हिंदी में है तो 15 नंबर का आपका हिंदी पूछा जाता है, जिसमें हिंदी में क्या पूछेंगे आपको, समास से रहेंगे, संधि से रहेंगे, यानी समास से भी ज़्यादा क्या रहेगा, एक समास दिया रहेगा और उसके इनमें से ये कौन सा समास है, ठीक ना। ज़्यादातर वह पूछते हैं तत्पुरुष, द्विगु, ठीक ना, तो ऐसे हो गया। फिर बात बची आपको TLE, आपके लिए टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट जो होती है आपके लिए, वो आपके लिए नया होगा। तो इसके लिए क्या होगा, ये भी आपको YouTube पर टीचिंग ओरिएंटेड पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लोगों को मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक ना। ऐप भी है टीचिंग ओरिएंटेड का ऐप, वहाँ पे भी मिल जाएगा। और जैसा कि आपको पता होगा साथियों कि हमारा ये मॉक टेस्ट जो है, ये मॉक टेस्ट अभी चल रहा है और ये मॉक टेस्ट 5 तक यानी 5 जुलाई तक आपका ये ऑफर है और वो 199 यानी 199 का ऑफर चलेगा। यह सिर्फ टेस्ट है, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि मान लीजिए समाज से क्वेश्चन आता है, मंत्रिमंडल से क्वेश्चन आता है, या फिर बात करें ये आपके लिए जो बाल विकास होगा वो आपके लिए नया होगा, तो उसको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, तो प्रैक्टिस करने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाइए, आप उसे मतलब क्या कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। 199 का आपका ये जो है, ये 199 जो कि 5 जून तक ऑफर चल रहा है, ये ऑफर इसके बाद समाप्त हो जाएगा, ठीक ना, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। फिर जैसा कि आपको पता होगा रीजनिंग से है, रीजनिंग 25 नंबर का आता है, तो उसमें ये निर्धारित रहते हैं कि इस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे गए। आपके प्रीवियस ईयर से पता तो ये चल जाएगा कि जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी टाइप को देखना है, किस टाइप का आपका पूछा गया है। अगर वह टाइप का 2019 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया और 21 में पूछा गया है, तो डेफिनेट है कि आपका 22 में भी पूछा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ नया मिलेगा, ठीक ना। इस भ्रांति को सबसे पहले दूर करना है। जहां तक वीडियो कोर्स की बात चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर आप वीडियो कोर्स, तो देखिए वीडियो कोर्स अभी टीम से बात हो रही है, जब भी आ जाएगी तो आप लोग को सूचना मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या कीजिए, आप यूट्यूब पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रही है, ठीक ना। आप देखिए पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ,
मान लीजिए आपके रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से आता है तो यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए ब्लड रिलेशन, आप अगर देख लेते हैं आधा घंटा की वीडियो देख लेते हैं ठीक ना, तो क्या करेंगे वही अगर हम कोर्स में डाल दे 500 रुपया मतलब ले ले तो फिर ठीक है। तो क्या कीजिए आप, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप टेस्ट को तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा साथियों परीक्षा में बेहतर अंक लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होता है वो होता है टेस्ट ठीक ना। तो आप इसे नीचे टेस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, आप इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा ठीक ना, आपको बहुत फायदेमंद होगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, 10 फुल मॉक टेस्ट है, अगर 120 का है तो 10 फुल मॉक टेस्ट है, छोटे छोटे मॉक टेस्ट जो कि आपको हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है कि कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसी के आधार पर पूर्ण रूप से बना हुआ है। तो उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि ऐसा ऐसा प्रश्न जो है आपके एग्जामों में आ रहा है ठीक ना। उसके बाद आपको सभी प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हुए हैं वहां पे डिस्कस मिलेंगे पूर्ण रूप से। ये आपका 199 का ये 5 जून तक ऑफर है ठीक ना, 5 जून के 12 बजे रात तक, तो आप इसे जरूर बाय कर लीजिएगा। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हुआ, कोडिंग डिकोडिंग से हुआ, निष्कर्ष से हुआ, तो ऐसे टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। साथियों एक बात बता देता हूँ कि आप ये बताइए कि मनपसंद खाना खाने का मन करता है या जो मिला वो खाने का मन करता है। अगर आप अच्छे नंबर से पास करते हैं तो आपको बेहतरीन कॉलेज मिलेगी। ये कॉलेज जो है उसमें भी आपको पता होगा कि कोई कॉलेज में आपका मन होता है कि उस कॉलेज में पढ़े ऐसे पढ़े, तो इसके लिए बेहतर नंबर लाना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर। देखिए आपने तो पढ़ाई है, मैट्रिक इंटर में पढ़ाई है, फिर क्या करना पड़ेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।